हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पे, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मैं जा रहा हूँ फनम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एयरपोर्ट ट्रांसफ़र किया, कैसे मैंने वीज़ा ऑन अराइवल लिया, कैसे मैंने इमिग्रेशन क्रॉस किया। सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से दिखाऊंगा। साथ के साथ मैं कंबोडिया शहर की डे और नाइट लाइफ, फूड्स मार्केट्स, शॉपिंग मार्केट्स क्या क्या हैं, वो सभी कुछ मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ लास्ट तक। यहाँ से मैं अब जाऊँगा थाईलैंड। थाईलैंड से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है फनम फेन की कंबोडिया। ये फ्रेंड्स मेरे बोर्डिंग पास हैं। पहले मैं ऐसे थाईलैंड जाऊँगा, थाईलैंड से मेरे कंबोडिया के, ये दोनों मेरे बोर्डिंग पास हैं। आफ्टर 2 ईयर मैं जा रहा हूँ कंबोडिया। एयरपोर्ट का माहौल बहुत अच्छा हो गया, ज़्यादातर पाबंदियाँ यहाँ पे हटा ली गई हैं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ एयरपोर्ट का, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लॉन्च की तरफ। अब मैं यहाँ पे लॉन्च लूँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। रेस्ट करने के बाद मेरी फ़्लाइट है यहाँ से 11:30 बजे। इस समय बैठा हूँ मैं लॉन्च में, लॉन्च दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ से मेरी फ़्लाइट्स है थाईलैंड की, थाईलैंड से मैं जाऊँगा कंबोडिया। थाईलैंड में मेरा 2.5 घंटे का ले ओवर है। तो कंबोडिया पहुँच के मैं आपको बताऊँगा क्या क्या मेरा वीज़ा प्रोसेस रहा। यहाँ पर मेरे को वीज़ा और अराइवल लेना है। वीज़ा और अराइवल का क्या प्रोसेस है ये मैं आपको आगे अपडेट करूँगा। तो बने रहिए फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग के लिए। लॉन्च में काफ़ी खाना पीना हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ बोर्डिंग के लिए। 11:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, देखते हैं बोर्डिंग के एक्सपीरियंस। मेरी बोर्डिंग है 11, गेट नंबर 11A से। गेट नंबर 11A से मैं बोर्डिंग करवाऊंगा। ये मेरा गेट आ गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा बोर्डिंग हो गया है। बोर्डिंग होने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपनी फ्लाइट की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपनी फ्लाइट के पास। ये मेरी फ्लाइट से थाई एयरवेज। मैं आ गया हूँ। आने के बाद मेरी यहाँ से फ्लाइट है कनेक्टिंग फ्लाइट कंबोडिया के लिए। तो यहाँ पे 2 लाइनें लगी हैं थाईलैंड पास और ट्रांसफ़र के लिए। तो मैं यहाँ से जाऊँगा ट्रांसफ़र की तरफ। अगर मुझे थाईलैंड में एंट्री करनी होती तो मैं यहाँ से थाई पास की इस लाइन में लगता। तो जो कि मेरे को अब ट्रांसफ़र चाहिए, तो मैं अब यहाँ से मैंने ट्रांसफ़र लिया है। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हैं हम बैंकॉक डिपार्चर पे। बैंकॉक डिपार्चर पे ये हमारी फ़्लाइट है फनम फेन के लिए। अभी हम यहाँ से जाएंगे। फनम फेन की फ़्लाइट इस समय है G1 पे। तो मैं G1 की तरफ आगे जा रहा हूँ। इस समय बैंकॉक में बजे हैं 5, और फ्रेंड्स इंडिया में बजे हैं इस समय 3:30। करीबन इंडिया में और बैंकॉक के टाइमिंग में जो डिफरेंस है वो करीबन 1.5 घंटे का डिफरेंस है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप फ्लाइट के बाद जब आप ट्रांजिट कर रहे हैं तो आप लॉन्च यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास प्रायोरिटी पास है तो मैं लॉन्च यूज़ करता हूँ। मेरे कल फर्स्ट क्लास लॉन्च, ये 24 आवर्स ओपन रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं लॉन्च की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं लॉन्च की तरफ आ गया हूँ। लॉन्च में यूज़ कर सकते हैं।
आप कॉफ़ी ले सकते हैं। डिशेस ये अमेरिकन लॉन्च फ्रेंड्स, आप ड्रिंक भी कर सकते हैं। अप्रोक्स जो कॉस्ट है वो इस लॉन्च की है 2000 baht, नियर अबाउट 4000 rupees, 4000 to 4500 नियर अबाउट इंडियन रुपीज़ में इसकी कॉस्ट है। और थाई बाट में अगर आप देते हैं तो 2000 baht इसकी कॉस्ट है लॉन्च की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डैश करूँगा मैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ कंबोडिया। थाईलैंड से मैंने बोर्डिंग करा लिया है, मैं कंबोडिया अपने फ्लाइट के अंदर जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने फ्लाइट में एंट्री कर ली है। फ्लाइट में एंट्री करते ही मुझे फ्लाइट स्टाफ ने दिए हैं 3 फॉर्म, जिससे कि मैं भर के कंबोडिया में एंट्री कर पाऊँगा। जिसमें पहला फॉर्म है इमिग्रेशन कार्ड। इमिग्रेशन कार्ड को फॉर्म को मैं पूरा फिल करूँगा। इसके बाद दूसरा फॉर्म इन्होंने मेरे को दिया है कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि मुझे एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए कस्टम अधिकारी को देना होगा। फ्रेंड्स, तीसरा फॉर्म इन्होंने मेरे को दिया है हेल्थ डिक्लेरेशन, जिसमें मुझे बताना होगा कि मुझे फीवर, कफ, ब्रेथ, वॉमिटिंग जैसे कोई सिम्टम है या नहीं। ये मेरे को हेल्थ डिक्लेरेशन पे सबमिट कराना होगा, जिसके बाद मुझे वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एप्लीकेबल किया जाएगा। दोस्तों, बोर्डिंग कार्ड की सहायता से भी आप अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ्लाइट नंबर, सीट नंबर, सारी सहायता आपको बोर्डिंग कार्ड से मिल जाएगी। बाकी डिटेल आप अपने पासपोर्ट से और अपनी ई टिकट से भर सकते हैं। दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूं फनम फैन कंबोडिया एयरपोर्ट पर। फ्लाइट से निकलने के बाद सबसे पहले मुझे लेना होगा वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल लेने के बाद सबसे पहले मुझे सबमिट करना होगा हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म हेल्थ डिक्लेरेशन काउंटर पर। हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद मैं लगूंगा वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन पे। वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन पे मुझे देना होगा वीज़ा ऑफिसर को अपना पासपोर्ट और 30 USD मुझे उनको सबमिट कराने होंगे। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर मेरे से रिटर्न टिकट, इंश्योरेंस और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखेगा। सब कुछ ओके होने के बाद वो मेरे से मेरा पासपोर्ट सबमिट कर लेंगे और 15 मिनट के बाद मुझे मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा लग के मुझे वीज़ा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे को मिल गया है कंबोडिया का वीज़ा। इसमें 30 USD मेरे को लगे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरे को वीज़ा मिल गया है। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई वीज़ा लेने में, बहुत आसानी से ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और मैं अब जा रहा हूँ एयरपोर्ट से बाहर। एयरपोर्ट से बाहर जाके मैं कवर करूँगा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को इमिग्रेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इमिग्रेशन अफसर ने मेरे से मांगा मेरा पासपोर्ट और डिक्लेरेशन फॉर्म। सब कुछ लेने के बाद उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया। वीज़ा चेक करने के बाद मेरे से उन्होंने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने के बाद उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं खड़ा हूँ कंबोडिया एयरपोर्ट के बाहर। कंबोडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये टुक-टुक किया है। टुक-टुक से मैं जा रहा हूँ अपने होटल, होटल क्वीन वुड नियर रिवर साइड।
दोस्तों मैं कंबोडिया के फनम फेन शहर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि कंबोडिया शहर का जो कल्चर है वो लगभग लगभग थाईलैंड के कल्चर जैसा ही है। बहुत ही सस्ती टिकट है थाईलैंड से कंबोडिया की, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप कंबोडिया को घूम सकते हैं। दोस्तों एक बहुत खास बात मैं कंबोडिया के लिए बताना चाहता हूँ, जो पूरे विश्व से पर्यटक जो है कंबोडिया आते हैं। कंबोडिया के सीम रीप शहर में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है विष्णु जी का, जो कि 162 हेक्टर में लगभग फैला हुआ है। ये विष्णु जी का एकमात्र मंदिर है जो कंबोडिया के अंदर है। ये है फ्रेंड्स कंबोडिया की सेंट्रल मार्केट। मैं इस समय हूँ फनम फेन में। ये पूरा सर्कल है मार्केट का, बहुत ही अच्छी मार्केट है ये। देखिए फ्रेंड्स ये है थाई फूड्स, सेम थाई फूड्स है ये कंबोडिया का। थाई फूड्स है ये कंबोडिया फूड। व्हाट इज दिस नेम नेम तो उसका नहीं कहा था मैंने आऊं है लाकोन लाकोन This fruit is name is Lacon. ये है कंबोडिया की फ्रूट्स मार्केट। इस समय मैं सेंट्रल मार्केट में फ्रूट मार्केट में हूँ कंबोडिया की। ये कंबोडिया फ्रूट मार्केट। What is this? Coconut. This made by coconut. लोकल थाई फूड है थाईलैंड में, थाई फूड है ये कंबोडिया का। हाँ
लाइक थाई फूड, सेम टू सेम थाई फूड। स्वीट्स, कंबोडिया स्वीट्स, ये ओल्ड स्वीट्स है कंबोडिया की। ये सब सी फूड्स है, ये सब टोटल सी फूड्स। एंड अगेन फ्रूट्स, बहुत ही अच्छा फ्रूट्स है ये कंबोडिया का, क्वालिटी इज सो गुड। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं फनम फैन की नाइट लाइफ दिखाऊंगा कैसी होती है, कैसे उनके फ्रूट्स हैं, तो मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ फनम फैन। सेवन इलेवन से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी बेसिक चीज़, जनरल चीज़ जो डेली रूटीन्स की होती है वो आपको सब कुछ मिल जाती है सेवन इलेवन से। जैसे हमारे यहाँ पे बिग बाजार है, सुपर मार्ट्स है, इसी तरीके से यहाँ पे स्माइल और सेवन इलेवन है। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ शेरे पंजाब, ये नियर रिवर इनका रेस्टोरेंट है और काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है ये। मैं जब भी फनम फैन आता हूँ तो मैं इसी रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, मुझे यहाँ खाना इनका बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब यहाँ पे डिनर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा खाना आ गया है, खाने में मैंने मंगवाया है दाल मखनी, चपाती और चना मसाला, बहुत ही टेस्टी है। बिल्कुल इंडियन खाना आपको यहाँ फनम फैन में इंडियन रेस्टोरेंट्स में मिल जाएगा, जो कि मैं शेरे पंजाब आता हूँ अपोजिट रिवर साइड। अलग से पापड़ स्नैक्स भी देते हैं, ये ओनियन चटनी। तो फ्रेंड्स मैं आया हूँ इस समय रिवर पे, फनम फैन रिवर साइड, रिवर व्यू दिखाने हैं आपको। ये पूरी रिवर है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। आइए चलते हैं रिवर के पास, मैं आपको दिखाता हूँ रिवर कैसी है। अधिकतर मैंने रिवर देखी है जिसमें पानी जो है
वो लेफ्ट से राइट की तरफ बह रहा होता है, बट मैंने यहाँ पे देखा है कि रिवर जो है राइट से लेफ्ट की तरफ बह रही है। तो ये भी मैंने आज ही गौर किया है कि रिवर यहाँ पे उल्टी बह रही है। फेमस रिवर है फनम पेन की, वेरी बिग रिवर। ये खेल कंबोडिया में, वियतनाम में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। दोस्तों जल्दी ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंबोडिया का फेमस मंदिर जो है अंकोर वाट मंदिर, वो मैं कवर कराऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको और टूरिस्ट प्लेसेस जो है कंबोडिया के वो भी जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा। धन्यवाद। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको कितनी जानकारी मेरी वीडियो से मिली? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर टिक करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको कंबोडिया जाने में या किसी भी कंट्री जाने में फ़्लाइट से संबंधित, वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा से संबंधित कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद।